पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की सिपाही भर्ती परीक्षा 2018 को लेकर एक धांधली सामने आई है। बता दें कि अभ्यर्थी ने इस परीक्षा में अपने स्थान पर सोल्वर को बैठाया था। यह धांधली फोटो पर लिखित और शारीरिक परीक्षा के बायोमेट्रिक मिलान से सामने आई। इसके बाद पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के सीओ अम्बरीश सिंह भदौरिया ने हुसैनगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। इंस्पेक्टर हुसैनगंज राम कुमार गुप्ता के मुताबिक आरोपित अभ्यर्थी मंगला प्रसाद मिर्जापुर के सरोई बाबू भगौरा गांव का है। मंगला ने वर्ष 2018 में आरक्षी भर्ती की लिखित परीक्षा दी थी। जांच में पता चला कि उसने लिखित परीक्षा में साल्वर बैठाया था। जांच में लिखित और शारीरिक परीक्षा के पहचान पत्र में लगी फोटो का मिलान करवाया गया तो वहीं भिन्न मिली। इसके अलावा दोनों परीक्षाओं के समय बायोमेट्रिक का मिलान कराया गया तो वह भी अलग अलग थे। मंगला प्रसाद को इसके बाद बुलाया गया फॉरेंसिक लैब में। इसके फिंगरप्रिंट भी जांच कराई गई जिसमें पुष्टि हो गई कि दोनों फिंगरप्रिंट अलग है। बहरहाल इसमें की जांच की जा रही है।